हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, 3 लोकसभा की सीट है जो रिक्त पड़ी थी, उस पर उपचुनाव हो रहा है। दादर नगर हवेली, खंडवा और मंडी। दादर नगर हवेली आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर लोकसभा की एक सीट है जिस पर चुनाव हो रहा है। वहीं खंडवा सीट जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और मंडी की सीट जो है कि हिमाचल में है जिस पर उपचुनाव हो रहा है। तो चलिए इस उपचुनाव के बारे में विस्तार से बताएंगे कौन सी पार्टी जीत सकती है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दादर एंड नगर हवेली लोकसभा की। तो दादर एंड नगर हवेली लोकसभा की बात करें, अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में वहां पर एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी मोहन भाई ढेलकर को जीत मिली थी। देखिए यहाँ पे मोहन भाई ढेलकर को 90,421 वोट मिला था, लगभग 45.44% वोट मिला था। वहीं बीजेपी के नाटू भाई गोमन भाई पटेल को 81,420 वोट मिला था, यानी 40% लगभग वोट मिला था। वहीं अगर हम कांग्रेस और शिवसेना और अन्य की बात करें तो अन्य की जमानत यहां पर जब्त हो गई थी। तो प्रमुख टक्कर यहां पर एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी और बीजेपी के बीच 2019 में थी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मोहन भाई ढेलकर की पत्नी कालाबेन मोहन भाई ढेलकर शिवसेना से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं महेश कुमार बालू भाई डोडी जो हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और महेश गावित जो है कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 पार्टियों के बीच में यहाँ पे टक्कर देखने को आपको इस बार मिलेगी दादर नगर हवेली में। और वर्तमान में अगर कहें तो बीजेपी मजबूत स्थिति में है और उसको टक्कर जो है कि शिवसेना यहाँ पर, यानी कालाबेन जो है कि मोहन भाई ढेलकर की जो पत्नी है वो टक्कर दे रही हैं। तो अगर देखा जाए तो इस समय बीजेपी मजबूत स्थिति में है और बीजेपी इस सीट पर इस बार बाजी मार सकती है। नेक्स्ट हम अगली सीट की बात करें तो अगली लोकसभा की सीट है मंडी, जो हिमाचल में पड़ती है। और यहां पर 2019 के नतीजे स्क्रीन पे हैं आपके सामने। 2019 में बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने जो है कि जीत हासिल की थी, जिनका निधन हो गया है और उसी के कारण ये सीट खाली हुई है। और यहां पे कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, सीपीआई और बीएसपी के भी लीडर जो है कि यहां पे चुनाव लड़े थे। चलिए अगर हम बात करें वहाँ पे फिलहाल 2021 के उपचुनाव की, तो मंडी लोकसभा में बीजेपी से खुशहाल ठाकुर ब्रिगेडियर ये चुनाव लड़े हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ी हैं, जो वीरभद्र सिंह के परिवार से हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे खुशहाल ठाकुर की, तो खुशहाल ठाकुर बीजेपी के जो हैं वो भी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह भी मजबूत हैं, यानी दोनों के बीच में जो कि कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि प्रतिभा सिंह का जो है कि थोड़ा सा पलड़ा यहां पर भारी है, यानी कांग्रेस यहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और खुशहाल ठाकुर उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो यहां पे प्रतिभा सिंह ये चुनाव बाई पोल जो है कि लोकसभा का है वो जीत सकती हैं। अगले सीट की बात करें तो अगली सीट है मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट। यहां पर भी उपचुनाव होना है वर्तमान में, जिसमें बीजेपी को जीत बड़े मार्जिन के साथ हुई थी। और यहां पे कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं अरुण सुभाष चंद्र यादव, ये चुनाव हार गए थे। वहीं नंद कुमार सिंह चौहान, ये भी बीजेपी के मजबूत नेता थे, जिनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। तो यहां पर जो कि उपचुनाव हो रहा है, तो अगर हम देखें फिलहाल की स्थिति, तो फिलहाल जो है कि खंडवा लोकसभा में बीजेपी की ओर से ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को मैदान में उतारा है। तो अभी की फिलहाल की स्थिति अगर हम बताएं आपको, तो फिलहाल जो है कि दोनों के प्रत्याशी नए हैं, इसलिए दोनों में ही कड़ी टक्कर बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल खंडवा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, बीजेपी खंडवा जीत सकती है।